ये है दोस्तों Redmi का बाई टू, ठीक है। कभी कभी ये वाइट लाइट ब्लिंकिंग में होता है और कभी ये फ़ोन ऑन भी हो जाता है, और ऑन होने के बाद हो सकता है नीला भी हो जाता है कई बार। तो अभी फ़िलहाल देखिए इसको ऑन करते हैं हम, ठीक है। 4 वोल्ट है दोस्तों CPU से, ठीक है। CPU को हमें रिवॉल्विंग करना पड़ेगा इसमें, और ये बाई टू का मॉडल है जो कि दूसरे शॉप से आया है। किसी भी तरीके से इसको ऑन करके दे दिया गया, पर जो मेन फॉल्ट था इसमें ये था, ठीक है। तो इसका आज हम CPU रिवॉल्विंग करेंगे, और आपको मॉडल हमने बता ही दिया है, Redmi का ये Y2 है, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, ये रीस्टार्ट भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके का ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे है दोस्तों CPU हमारा, इसको हमें थोड़ा कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया दोस्तों, इसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हमें अब साफ करना है, ठीक है। इसको क्लीनिंग करना है, इसको हम लोग क्लीन, इसको पटना जा नहीं रहे दोस्तों, और जो डिसोल्डर वायर होता है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, तो वायर से हम कर रहे हैं इसको। चलिए मदरबोर्ड को हमने क्लीन कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। टाइम थोड़ा सा लगता है, बस अच्छी ढंग से हो जाता है, ठीक है। अब इसे हमें CPU को रिवॉल्व करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस चलते हम ना वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने CPU को रिवॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर हमें लगा देना है इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों CPU को हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम। चलिए थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चेक करके देखेंगे, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए फ़ोन ऑन हो गया है रिवॉल्विंग करने के बाद। अब हमें देखना है कि सही हुआ या नहीं, बैक पैनल भी हम लगा के देखेंगे। जैसे ही बैक पैनल लगाते थे ये फ़ोन ब्लू हो जाता था। तो फिलहाल अभी सारा कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है।